एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी लीगल फ्रेंड और गाइड मिस दिव्या ओझा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और क्रिएटिव लाइफ स्पेंड कर रहे होंगे। आपके लिए वैसे तो मुझे कोई लीगल टॉपिक लेकर आना चाहिए था आज, लेकिन आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है मेंटल हेल्थ, क्योंकि आज है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। और इस बार 2020 में ये दिन 10 अक्टूबर को तब पड़ रहा है जबकि हम सब पिछले काफी महीनों से ऐसी क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, ऐसी क्राइसिस से गुजर रहे हैं जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं था, अपने कल्पना ही नहीं की थी। और ना सिर्फ विधि के क्षेत्र के लोग बल्कि हर क्षेत्र के व्यक्ति पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा है। आज भी थोड़ा बहुत जिंदगी जो है वो पटरी पर आने लगी, लेकिन फिर भी हम फियरलेस लाइफ नहीं स्पेंड कर पा रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, कर भी रहे हैं कि हम खुद को फिजिकली सेफ रखें, हेल्दी रखें, फिट रखें, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा सफ़र की है। इसलिए क्योंकि जब आप एक सामान्य जीवन जी रहे होते हैं, आप बड़े आराम से काम कर रहे होते हैं, इधर उधर जा रहे होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, जो मन में आ रहा वो खा पी रहे होते हैं, किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं होती, किसी तरीके का कोई भय नहीं होता, तो मानी हुई बात है कि आपके यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई स्ट्रेस नहीं होता। हाँ, जब आप काम करते हैं, जैसे हम लोग विधि के क्षेत्र से मैं हूं, तो जो एडवोकेट्स होते हैं उनके लिए थोड़ा ये होता है कि आज ये केस प्रिपेयर किया, पता नहीं कैसा ऑर्डर होगा, नहीं होगा, जिस तरीके से हमने प्रिपरेशन की है पता नहीं हम वैसा अपना बेस्ट उतना दे पाएंगे कि नहीं पाएंगे, वो एक अलग चीज है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं अगर हमारे दिमाग में एक थोड़ा कुछ कुछ चल रहा होता है तो वो पॉजिटिव चीज को लेकर होता है, उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। लेकिन जब कोरोना की क्राइसिस आई तो सब कुछ इफेक्टेड हुआ, हमारा काम इफेक्टेड हुआ, हमारी अर्निंग्स इफेक्टेड हुई, हमारी लाइफस्टाइल इफेक्टेड हुई, और कहीं ना कहीं नहीं चाहते हुए भी हमारी मेंटल हेल्थ भी इफेक्टेड हुई, जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाता ही नहीं है। जब कोई हमें टोकता है कि आप मोटे हो गए तो हम डाइट कंट्रोल करते हैं, कोई कहता है आप पतले दिख रहे हैं तो हम थोड़ा ज्यादा खाने लगते हैं, न्यूट्रिशियस फूड खाने लगते हैं, हम अपनी स्किन की केयर करते हैं, यहाँ पैचेस दिख रहे हैं, यहाँ पैचेस दिख रहे हैं, या आज हमें थोड़ा डल लग रही है स्किन, इस टाइप से करके। लेकिन हमारी जो मेंटल हेल्थ है जिसका फिट रहना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इससे कहीं ज्यादा जरूरी ये भी होता है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो ही एक स्वस्थ जीवन जो है उसको जन्म देता है। आप एक हेल्दी लाइफ तभी स्पेंड कर पाएंगे जब आपका ये जो है ना वो हेल्दी होगा, जिसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यहां से अनफिट हैं तो आप कितने भी मोटे तगड़े हो जाइए, फिजिकली आप कितने भी अच्छे दिखिए, चेहरा आपका कितना अच्छा दिखे, ग्लो करे, अगर आपका ये ठीक नहीं है तो फिर आप कोई भी काम बेस्ट तरीके से नहीं कर पाएंगे, बेस्ट देकर नहीं कर पाएंगे, किसी भी काम में आप अपना बेस्ट नहीं दे पाएंगे, और वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो अपने मेंटल हेल्थ का ख्याल रखिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे लगता है वो है पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव काम करिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए। अगर आपकी सराउंडिंग्स में ऐसे लोग नहीं हैं जो पॉजिटिव बात करें, जो पॉजिटिव टॉपिक्स पर बात करें, तो प्लीज आप ऐसे लोगों से दूर रहिए। बेहतर है आप थोड़ा समय अपने साथ बिताइए, अपने परिवार के साथ बिताइए, आप अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए। बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं, रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, जो आपके जीवन को एक दिशा दे सके। क्योंकि कहा जाता है कि ऐसे लोग के बीच में रहना जो एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मैंने देखा है उन्हें हर चीज में नेगेटिविटी दिखती है, और शायद उसका एक रीजन ये भी होता है कि वो अपने आप में इतने नेगेटिव होते हैं कि वो किसी चीज में पॉजिटिविटी होते हुए भी नहीं देख पाते। एंड देर आर मेनी पीपल, सो मेनी पीपल, जो कहते हैं ना अंधेरे से शिकवा करने से बेहतर एक क्षमा जला दो। वो लोग जब आपसे मिलते हैं तो उनके जाने के बाद वो एक ऐसा इम्प्रिंट आपके लाइफ पर छोड़ते हैं, आपके सोल पर छोड़ते हैं, मतलब एक ऐसा इम्पैक्ट आपके लाइफ पर पड़ता है कि आपको लगता है कि हम किसी से मिले थे, ऐसे लोग भी आज होते हैं क्या? तो वैसा ही बनने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर आप किसी के चेहरे पर स्माइल नहीं लेकर आ सकते तो आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को दुखी करिए, आप किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव बोलिए। हर व्यक्ति अपनी परिस्थितियों का परिणाम होता है, हर व्यक्ति अपनी आदत का परिणाम होता है। हो सकता है वो अगला व्यक्ति जो चैलेंज अपने जीवन में फेस कर चुका हो, कर रहा हो, वो आप
ना कर पाए या आपको उसका अंदाजा भी नहीं हो, देन वाई टू टॉक अबाउट अदर्स ऑलवेज नेगेटिवली? जस्ट बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड मेक अदर्स पॉजिटिव. लाफ, हेल्दी, खुशी दीजिए. खुश रहेंगे तभी आप खुशी देंगे, नहीं तो अगर आप दुनिया के सामने एक ऐसी एक जिसको बोलेंगे ना, एक ऐसा ऑरा क्रिएट करेंगे जिसमें कि अंदर आपके दुखी दुखे दुखी दुखे, परेशानी परेशानी है, तो बिलीव मी आप उनको जो एक स्माइल दे भी रहे ना, या आप उनको जो मोटिवेशन दे भी रहे ना, कहीं ना कहीं आपकी वाइब्स निकलती हैं, वाइब्स पहुंचती हैं. तो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप खुश रहिए, और खुश रहना मेंटल हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है. कुछ भी हो, परिस्थितियां आती जाती रहेंगी, कोरोना जैसी महामारी नहीं, कोई भी महामारी है, उससे आप तभी लड़ पाएंगे, तभी उसका सामना कर पाएंगे जबकि आप पॉजिटिव होंगे. हो सकता है हम आज एक ऐसी दिनचर्या जी रहे हैं, ऐसी जीवन शैली हमारी जिसमें हम दो वक्त अच्छा खा ले रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर सिर्फ इसलिए काम करते हैं कि एक वक्त वो अपने और अपने परिवार के लिए दो रोटी का जुगाड़ कर सके. तो कम से कम उनसे सीखिए. ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़क के किनारे बैठकर सब्जी बेचते हैं और उनके चेहरे पे एक शिकन नहीं होती, क्योंकि वो जिस परिस्थिति में है वो उसको स्वीकार कर चुके हैं. ठीक है, लेकिन ठीक है, उनके अंदर अगर बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है तो वो बेचारे बहुत नेगेटिव भी नहीं होते कि वो बहुत नेगेटिव हो. और अगर आपको लाइफ में, मैंने लोगों को देखा है उनके पास सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन उसके बाद भी किसी की बड़ी गाड़ी देख ली, किसी का बड़ा घर देख लिया, वो इसी में परेशान रहते हैं. किसी की अर्निंग ज्यादा देख ली तो वो, और उसके बाद उसका एक रिजल्ट ये होता है कि आप इतने ज्यादा इफेक्टेड होते हैं कि आप बना बनाकर अपने बारे में अपना स्टेटस शो करने लगते. देन दिस इज एक्चुअली मेंटल सिकनेस. आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपया आप उसमें खुश रहिए. यू कांट बाय हैप्पीनेस एट एनी स्टोर. आप कहीं नहीं परचेस कर सकते खुशी को, लेकिन आप खुश रह सकते हैं तब जब आप यहां से भी फिट हों. और जब आप यहां से फिट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपका ये भी ग्लो करेगा, आप यहां से भी बहुत अच्छे लगेंगे. और इसका बहुत ज्यादा रोल होता है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक स्वस्थ मस्तिष्क जो है वो ही एक स्वस्थ जीवन को जन्म देता है. और अगर आप चाहते हैं कि आप किसी भी रूप में कोई भी काम करिए, उसको आप अच्छे से करिए, आप अपने जीवन को सार्थक बनाइए, तो उसके लिए आपका मेंटली फिट रहना बहुत जरूरी है. मैं वकालत के पेशे से हूं, मुझे मालूम है बहुत ज्यादा इस क्राइसिस का इफेक्ट हुआ. जितने केसेस पहले आया करते थे अब वो नहीं आ रहे हैं. हम जैसे रिजल्ट देना चाहते थे वैसे हम रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरीके से हम अपना चेंबर रन करते थे वैसे हम नहीं कर पा रहे हैं. हमारा स्टेनो कहीं से आता था, हमारा क्लर्क कहीं से आता था, अब हम उसे बुलाने में डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो हमारी वजह से उसे और उसकी वजह से हमें कोई फर्क पड़े. बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा है, लेकिन देखिए आप हर परेशानी का सामना कर सकते हैं जब आप मेंटली फिट हो. ऐसे लोग के बीच में बिल्कुल मत रहिए. मैं ये नहीं कहती हूं एक्सेप्ट सबको करिए, हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करिए, लेकिन प्लीज ऐसे लोगों से थोड़ा डिस्टेंस रखिए जिनके पास कोई टॉपिक ही नहीं होता बात करने का. उन लोगों के बीच में रहने से बेटर है, यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे लेजेंड की स्टोरीज हैं, बहुत सारे, आप उनको अपना प्रेरणा स्रोत बनाइए, अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाइए. और वकील के पास तो इतनी सारी बुक्स होती हैं लाइब्रेरी में कि वो कोई भी बुक पढ़ सकता है, इतने सारे, क्योंकि हर, मुझे लगता है पढ़ाई कभी नहीं बेकार जाती, कभी नहीं. और वकालत का तो पेशा ऐसा है जो आपको जीवन पर्यंत ही एहसास करवाते हैं कि आप वकील हैं. आप सिर्फ वकील नहीं हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप छात्र हैं. अगर आप LLB की डिग्री या LLM की डिग्री लेने के बाद वकालत के पेशे में आते हैं तो यकीन करिए आपको उतना पढ़ना पड़ता है जितना आपने LLB और LLM करते वक्त नहीं पढ़ा होगा, PhD करते वक्त नहीं पढ़ा होगा, और आपको पढ़ना होता है तो हमेशा आप, लेकिन हाँ एक बहुत उत्साह होता है, एक छोटा सा भी नया केस आता है तो हम उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं. हम कोर्ट जाया करते थे पहले हर रोज, अभी तो हमारा जिस दिन केस लगता है हम उस दिन ही जाते हैं, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हम काम कर लेते हैं. तो डेफिनेटली घर से बाहर निकलना एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है बहुत बार, क्योंकि हर दिन आप कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ नया अनुभव हो रहा है. वो लोग जो वर्किंग नहीं है वो भी किसी किसी काम से निकल रहे हैं, बाहर वॉक करने के लिए निकल रहे हैं, शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं, चीजें डेफिनेटली बहुत ज्यादा इफेक्टेड हुई हैं. लेकिन हमारी दिनचर्या इफेक्टेड हुई है,
हमारा काम इफेक्टेड हुआ है, लेकिन उन सारी चीजों से हमारा मेंटल जो फिटनेस है उसको इफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहां से स्वस्थ हैं तो हम यहां से भी स्वस्थ हो जाएंगे। सारी चीजें धीरे धीरे करके हम ट्रैक पे ले आएंगे डेफिनेटली, लेकिन यहां से रहना बहुत जरूरी है। और ये एक ऐसी हेल्थ होती है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा, आपको खुद इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आपको खुद जानना पड़ेगा कि आप एक्चुअली मेंटली फिट हैं कि नहीं, आप जो आपका दिमाग है वो स्वस्थ है कि नहीं। उसके लिए बहुत जरूरी है जो आप काम कर रहे हैं उसके बारे में सोचिए, जिस तरीके से आप जी रहे हैं, जीवन शैली जो आपकी उसके बारे में सोचिए, जैसे लोग के बीच में आप रह रहे हैं उनके बारे में सोचिए। अगर आपको थोड़ा भी लगता है कि आपकी अपनी एक ठीक ठाक एक आइडियलिस्टिक अप्रोच है और उस पे कहीं ना कहीं से जाने अनजाने भी इफेक्ट पड़ रहा है, तो प्लीज आप ऐसे लोगों से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे लोगों से को अपने साथ रखने से बेहतर है कि आप अपने आप के साथ समय बिताइए, आप कुछ कुछ पॉजिटिव करिए और खुद को जानने का प्रयास जरूर करिए। उसके लिए प्लीज प्लीज मेडिटेशन कीजिए, योग जरूर कीजिए, और जब आप योग करेंगे तो आप खुद से कनेक्ट होने लगेंगे, आप खुद को जानने लगेंगे, और अपने आप को जानना अपने अंदर की यात्रा जो है वो आपको ये एहसास करवाएगी कि वास्तव में आप इस दुनिया में क्यों आए। और लोग हमेशा, हो सकता है हम भी बहुत बेहतर ना हो, बहुत सारे लोगों के लिए हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं। इफ आई एम टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू, इट डजेंट मीन कि मैं हर चीज में, मैं भी एक इंसान हूं, कमियां सबके अंदर होती हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि हम हर परिस्थिति में, हर कमी के होते हुए भी हमारा जो प्रयास होना चाहिए वो हमेशा बेहतर बनने का होना चाहिए, बेहतर करने का होना चाहिए। खुद को ऐसा बनाने का प्रयास करिए कि जब आप किसी से मिलें तो वहां से हटने के बाद उस व्यक्ति को लगे कि वो किसी से मिला है वास्तव में। और अगर आप को ये रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं से आप फिट नहीं है, तो प्लीज आप उसके लिए, उस पर काम करिए, उस पर होमवर्क करिए, अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, क्योंकि अपने आप को मेंटली फिट रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप मेंटली अनफिट हैं तो प्लीज उसको क्योर करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और ये एक ऐसी हेल्थ होती है जिसके बारे में हम किसी से बात नहीं करते, हम संकोच करते हैं बात करने में। तो प्लीज अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप खुलकर बात करिए। और मैं आप सबसे ये अपील करूंगी कि आप सबके आसपास जो भी लोग हैं, अगर आपको लगता है वो किसी रीजन से परेशान है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए परेशानी निकल के आपसे कोई कहेगा नहीं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं महसूस होने लगता है, तो प्लीज आप उनकी हंसी मत उड़ाइए, प्लीज आप उनका मजाक मत उड़ाइए, बल्कि दो कदम आगे बढ़िए और उनका हाथ थामिए, उनसे पूछिए। इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदगी के सफर में भागते भागते हम वो बन चुके हैं जो हम थे नहीं, और ह्यूमैनिटी को कहीं ना कहीं हमने किनारे रख दिया है। हम पैदा तो मनुष्य बनकर हुए हैं, लेकिन मानवता कहीं ना कहीं खो सी गई है। तो प्लीज अगर ये परिस्थितियां आई हैं तो इसका डटकर खुद भी सामना करिए, दूसरों को भी हेल्प कीजिए, उनको उनके अंदर आशा पैदा करिए, उनको खुश रखिए, उनके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा करिए कि नहीं, जो भी आज है ठीक है, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना रहा है, और शिवखेड़ा जी की दो लाइनें हैं जो मैं हमेशा अपने जीवन में उतारती हूं, और वो ये है कि अंधेरे से शिकवा करने से बेहतर है एक क्षमा जला दो। अगर हम किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं ला सकते तो हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी को दुखी करें, हम किसी के बारे में बात करें, हम किसी की बिचिंग करें। इसलिए क्योंकि हमने जो भी वो आज हैं, हमने वो चीजें फेस नहीं की हैं, जिस भी दौर से वो होकर गुजरे हैं, जिस भी चीज का उन्होंने सामना किया है, वो सकारात्मक भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, तो उन्होंने अपना किरदार कैसे निभाया ये वो जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। तो प्लीज मेंटली फिट रहिए, दूसरों को भी फिट रखिए। अगर आप योग नहीं करते तो यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोज हैं, उनको आप देखिए और आप उनको फॉलो करिए, एंड डेफिनेटली आप करने लगेंगे अच्छे से योग। और नहीं तो आर्ट ऑफ लिविंग है, उसके वीडियोस आप देखिए, सदगुरु के ईशा फाउंडेशन के वीडियोस आप देखिए, और ऐसे बहुत सारे चैनल्स हैं, जो कि बी के शिवानी जी का चैनल है, और वो बताती हैं किस तरीके से आप योग कर सकते हैं। और ओवरऑल थोड़ा समय आप अपने आप को दीजिए, अच्छा फूड खाइए, एक ऐसा फूड खाइए, ऐसी चीजों को अपने खाने में शामिल करिए जो आपके यहाँ पर भी अच्छा इफेक्ट डालें, जो आपको यहाँ से भी हेल्दी बनाएं।
और कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, थोड़ा समय नेचर के साथ स्पेंड करिए, चिड़िया की चहचहाहट को सुनिए, थोड़ा गिलहरी के फुदकने को देखिए, थोड़ा पेड़ों के जो पत्ते हैं उनके उनकी हरियाली को देखिए, हिलते हुए पत्तों को महसूस करिए, थोड़ा सा ठंडी हवा के झोंके को महसूस कीजिए, चांद तारों को देखिए, सूरज को थोड़ा देखिए, उसके साथ समय स्पेंड करिए, कुछ भी करिए, क्योंकि प्रकृति आपको जो देती है वो आपको कोई नहीं दे सकता। एंड इफ यू हैव नो फ्रेंड इन योर लाइफ, अगर आपके पास ऐसे लोग नहीं हैं जिनके साथ आप पॉजिटिव रह सकें, जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दे सकें, देन प्लीज प्रकृति से दोस्ती करिए, नेचर से दोस्ती करिए। और अगर नेचर में भी आपका मन नहीं लग रहा, तो आपके आसपास बच्चे तो होंगे, घर में बच्चे होंगे, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी कीजिए, लिखिए, अच्छे लोग को सुनिए, उनके विचारों का अनुकरण कीजिए, कुछ भी करिए, वॉट एवर। और अगर आपको उसके बाद भी लगता है कि आप कहीं ना कहीं से मेंटल हेल्थ से सफर कर रहे हैं, मेंटली आप अनफिट हैं, तो प्लीज अगर आप चाहें तो आप डॉक्टर को भी कंसल्ट कर सकते हैं। और क्योंकि ऐसे बहुत बार ऐसा होता है कि धीरे धीरे करके आप नज़रअंदाज करते जाते हैं और उसके बाद आपको पता ही नहीं चलता कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेंटली अनफिट हो चुके हैं। तो वहाँ पर आप कुछ भी करेंगे वो सारी चीज़ें सेकेंडरी होती हैं। हाँ, मेडिसिन लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मेंटली फिट नहीं हैं तो काम भी अच्छे से नहीं कर सकते, आप अपने रिश्ते भी अच्छे से नहीं निभा सकते, और आप कहीं घूमने भी जाएंगे तो एक जो अशांत चित्त होता है, जो अशांत मन होता है, वो भटकता है। आप हिमालय पर भी जाकर अगर चले आएंगे तो आप भटक कर ही आएंगे, आप आनंद के क्षण जी कर नहीं आएंगे। तो कुछ भी करिए लेकिन मेंटली फिट रहिए। एंड आई होप कि आप सबको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जाकर ये बताना मत भूलिएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आप सब मेरी उम्मीद की किरण हैं, आप सब मेरी आशा की किरण हैं। आपके सहयोग से मेरे चैनल पर जो व्यूज हैं वो 4000 से ऊपर हो गए हैं, और आप सब मेरी प्रेरणा हैं, क्योंकि आप चाहते हैं, आप पसंद करते हैं, तभी मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, तभी मैं पढ़ती हूँ, तभी मैं थोड़ी मेहनत करती हूँ, और ज़्यादा काम के अलावा भी उन उन टॉपिक्स को भी अब टच करने की कोशिश करती हूँ जो तब पढ़ा था जब LLB कर रही थी मैं, तो अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो अंत में चलते चलते आप सबको वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत सारी शुभकामना। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब मेंटली बहुत फिट होंगे, और अगर थोड़ा बहुत नहीं भी है तो फिट हो जाएंगे, और आप उसके ऊपर काम करेंगे, और हर दिन आप 10 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालेंगे, ज़रूर। अगर आप सुबह नहीं निकाल पा रहे हैं तो कभी भी दिन भर में जब भी समय मिले 10 मिनट का समय निकालिए, खुद से बातें करिए, खुद से पूछिए, खुद को जानने की कोशिश करिए, और देखिए फिर आप कैसे मैजिक होता है, इसलिए क्योंकि जो मैजिक है वो तो बस हो जाता है, और आप देखिए कैसे फिर आप और निखरते जाएंगे, फिर देखिए आप कैसे और शाइन करते जाएंगे। तो चलते चलते अब ये वीडियो मैं काफ़ी पहले से शूट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चूंकि आई एम सॉरी मुझे एडिटिंग करनी नहीं आती है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट एडिटिंग, या जिसको बोलते हैं स्पेशल इफेक्ट्स देना, चूंकि मेरी जो पर्सनैलिटी है मैंने उसमें भी कभी उन चीज़ों को नहीं किया है। इफ़ समवन इज़ डूइंग वेरी गुड देन आई कैन लर्न, बट आई नेवर कॉपी। सो वैसे ही मुझे लगता है कि मैं एडिटिंग करूंगी डेफिनेटली, लेकिन आप लोगों में से ही मैं पूछूंगी आपसे कि एडिटिंग कैसे की जाती है, थोड़ा बहुत मुझे आता है। तो अभी चूंकि रात भी हो चुकी है एंड टाइम हो रहा है लगभग 12:30 बजने को हैं, तो चलते चलते आप सबको गुड नाइट और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बहुत सारी शुभकामना, और इस उम्मीद के साथ कि आप मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करेंगे बेसब्री से। खुदा हाफिज़, बाय बाय।